हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, राइट? और यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल मास एम का गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वेलोसिटी जीरो हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मास एम का कोई यूज नहीं है, जस्ट आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। और अगर आपको पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है तो ये ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाहिए। तो थ्री को उधर ले जाओ, राइट? तो क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री इज इक्वल टू रूट एक्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो टी माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो यू नो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, राइट? तो ये टू टाइम्स में क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेन वेलोसिटी जीरो, इसको जीरो पुट करेंगे तो कभी होगा जब टी होगा थ्री सेकेंड, टी यहाँ थ्री पुट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो।